देखिए, नीट पेपर लीक पर हंगामा थमता हुआ नहीं दिख रहा है। कल लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बहुत बवाल हुआ, आपने देखा। लोकसभा में नीट पर विपक्ष बोलने को तैयार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की माइक से आवाज नहीं आई तो कांग्रेस ने माइक बंद करने का आरोप लगा डाला। उधर राज्यसभा में नियम 267 के तहत नीट पर चर्चा करवाने की मांग पर जमकर नोकझोंक हुई। पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं। शुक्रवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने इरादे जता दिए कि नीट के मुद्दे पर वो पूरी तैयारी के साथ दोनों सदनों में पहुंचेगा, और हुआ भी ऐसा ही। 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने एक सुर में नियम 267 के तहत नीट विवाद पर चर्चा की मांग की और हंगामा शुरू हो गया। तय ये था कि 21 घंटों तक दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि पहले नीट विवाद पर बात हो। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला फौरन इस मांग पर चर्चा के लिए सहमत नहीं थे, और देखते ही देखते विवाद माइक बंद करने पर आ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए, अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। राहुल गांधी के माइक बंद होने का मुद्दा सदन से सोशल मीडिया तक आ गया। कांग्रेस ने पोस्ट किया, जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। विरोधी दल का नेता राहुल गांधी जी ने हाउस में बात करना स्टार्ट किया और उन्होंने ये पक्ष रखा, विपक्ष और रूलिंग सत्ता पक्ष का साथ मिलके हम लोगों का नीट का बारे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए, ये वर्ड का बात उनका माइक दोबारा बंद कर दिया। लोकसभा में इसी तरह हंगामा होता रहा। पहले 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित हुई और जब 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो हंगामे के चलते कुछ ही मिनटों में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, देश के लाखों छात्र रो रहे हैं, पेपर लीक ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और 267 के दो दर्जन से ज्यादा नोटिस मिलने के बावजूद ये सरकार सदन में चर्चा करने को तैयार नहीं है नीट पर। जो हाल लोकसभा का था, वही हाल राज्यसभा का भी था। विपक्ष ने नीट विवाद पर चर्चा की मांग की, देखते ही देखते विपक्ष के सांसद बेल में आ गए, विरोध किया। इसके बाद जब नेता विपक्ष खड़गे ने बोलना शुरू किया तो सभापति ने कहा कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी माइक बंद करने का मुद्दा उठा, वहाँ आवाज राहुल की थी, यहाँ खड़गे थे। 7 साल में 70 बार नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मांग कर रहे हैं आप लोग नीट के मसले पर, अभी तक परीक्षा रद्द नहीं हुई। पहले तो हम चर्चा ही चाहते हैं, उसके बाद हमारे डिमांड्स बोलेंगे। उधर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भ्रमित कर रहा है और सरकार सदन के भीतर अपना पक्ष जरूर रखेगी। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित तो हो गई, लेकिन जब सोमवार को फिर से सदन के दरवाजे खुलेंगे तो नीट विवाद का शोर सुनाई देना निश्चित है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।